Video will show you how to dislodge an object if you are alone and choking. Use a solid stationary object like a chair or a table edge to administer abdominal thrust on yourself. It is important to call 911 if the object does not come out immediately. Unlock your door and make yourself visible so that someone can see you and help. So, you're by yourself and you're choking. There's no one there to help you. Here's what you can do. The idea is you're going to use the back of a chair to simulate an abdominal thrust, this movement. So what you do is you're going to throw your stomach on here really hard and force some air up to dislodge the object that's stuck in your trachea. This really does work. I've had several students get back to me who did this and got it out within 3 or 4 thrusts. Now, it doesn't have to be a chair. It can be any hard object, like even a table. I've had one student said she was cooking in her kitchen by herself, suddenly started choking. There was the kitchen countertop. She just ran at. पिछले 3 हफ्तों में लगातार 3 केसेस। पहले केस में एक 18 माह की बच्ची की सांस की नली में छालियां फंस जाती है। दूसरे केस में एक 18 माह की बच्ची की सांस की नली में मूंगफली का छिलका फंस जाता है और तीसरे केस में एक 3.5 साल बच्चे की सांस की नली में ये सुई, जी हाँ, ये स्कार्फ पे फंस जाती है। तो इन तीनों फॉरेन बॉडीज को सांस की नाली से निकाला गया गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और जिस फरिश्ता सीरत डॉक्टर ने ये कारनामा किया वो है डॉक्टर इलाही बख्श बिरोही। जी हाँ, डॉक्टर इलाही बख्श बिरोही हेड ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी है और उन्होंने इन तीनों बच्चों को इस जिंदगी मौत की कश्मकश से बाहर निकाला। ये केसेस कैसे सक्सेसफुल हुए इस पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों की सांस की नली में फॉरेन बॉडीज फंसना एक कॉमन इमरजेंसी है और ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए आज की इस वीडियो में। तो इस अहम नॉलेज को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। अक्सर खाना खाते हुए या खेलते हुए चीजों को अक्सर मुंह में डालते हैं जिससे कि उन चीजों के उनके सांस की नली में जाके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी सूरत हाल में हमें क्या फर्स्ट एड लेनी चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले, जब भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी चॉकिंग इमरजेंसी हो, अपने आसाब पे काबू रखें। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। जब भी हमारे बच्चों के साथ कोई इमरजेंसी होती है तो हम अपने आसाब खो बैठते हैं, हम बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इमरजेंसी में अगर आप कंट्रोल रहेंगे तभी उस इमरजेंसी को अच्छी तरह डील कर पाएंगे, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको महसूस हो कि किसी छोटे बच्चे के साथ ये हुआ है तो आपने क्या करना है, बच्चे को फौरी तौर पे, जैसे इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है, बच्चे के जॉस को सपोर्ट करते हुए टिल्ट करेंगे आप डाउनवर्ड और बच्चे की पीठ पे आप अपनी हथेली से थपकी देंगे। बच्चे की पीठ पे आप जोरदार थपकियां देते हैं। इन थपकियों से सांस की नाली के अंदर प्रेशर बनता है और वाइब्रेशंस बनती हैं जिससे कि उस फंसी हुई चीज के बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये अमल दोहराते रहेंगे जब तक के सांस की नली से वो पार्टिकल निकल ना जाए, या फिर अल्लाह ना करे अगर बच्चा ज्यादा सीरियस हो तो इसी दौरान आपको फौरन हॉस्पिटल पहुंचने की तैयारी भी शुरू कर देनी है, एक्टिवेट कर देनी है। यानी अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो आपने बच्चे को जॉस को सपोर्ट करके उल्टा करना है, टिल्ट करना है डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ झुकाने से ग्रेविटी से मदद मिलेगी। ग्रेविटी भी चीजों को खींचती है। ऊपर से जब आप तेजी से थपकी देंगे, बैक स्लैप करेंगे, तो इससे सांस की नली में वाइब्रेशन पैदा होगी, प्रेशर पैदा होगा और वो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। जब आप ये काम कर रहे हो तो किसी दूसरे फर्द को गाड़ी निकाल ले, गाड़ी अरेंज करने का कह दे ताकि आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल भी पहुंच सके। पहला तरीका। दूसरा, अगर बच्चे की उम्र थोड़ी बड़ी है, जैसे 8-9-10 साल है और बच्चे ने कुछ खाया या फिर कुछ भी बच्चे के गले में फंसा, तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही बैक स्लैप्स है। आपने बच्चे को इसी तरह फॉरवर्ड टिल्ट करना है और पीठ पे दोनों स्कैपुलास के बीच में अपनी हथेली से तेजी से थपकियां देनी है। इन थपकियों से प्रेशर बनेगा और सांस की नली में वाइब्रेशंस बनेंगी जो कि उस चीज को निकलने में मदद करेंगी। आगे का झुकाव ग्रेविटी से हम मदद लेंगे ताकि वो पार्टिकल जल्दी से बाहर निकले। मीनवाइल आपने हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी एक्टिवेट कर देनी है, किसी को गाड़ी अरेंज करने का कहना है ताकि आप बच्चे को फौरन हॉस्पिटल ले जाए।
तीसरी चीज, अगर बच्चा बड़ा है या किसी बड़े के साथ ये चॉकिंग इमरजेंसी हो जाती है तो हमने क्या करना है, हमने जैसे कि आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक फिस्ट बना के वो नाक से ऊपर यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से पर रखते हैं और दूसरा हाथ उस फिस्ट के ऊपर रख के तेजी से अपवर्ड एंड इनवर्ड मोशन देते हैं, यानी तेजी से अपवर्ड दबाएंगे ताकि हमारे फेफड़ों के अंदर जो हवा भरी हुई है प्रेशर से वो उस फंसी हुई चीज को बाहर निकाल दे। और अक्सर औकात ये इमरजेंसीज इन मैन्यूवर से डील हो जाया करती हैं, ठीक हो जाया करती हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप इस तरह की फर्स्ट एड के लिए कोशिश करते हैं, अगर आप ट्रेन हैं इन चीजों में, तो साथ साथ आप हॉस्पिटल जाने के लिए इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट करेंगे, यानी अगर आपके पास गाड़ी है तो फौरन उसे निकालें या बैठ सकते हैं किसी की भी, उसको एक्टिवेट कर दें ताकि मीन वाइल जब तक आप ये प्रोसीजर्स कर रहे हो गाड़ी का इंतजाम भी हो जाए और आप हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे। अक्सर औकात जैसे ही ये फॉरन बॉडीज निकलती हैं, बच्चे या बड़े कुछ खांसी करते हैं, अपने एयरवेज को क्लीन करते हैं और इमरजेंसी रिजॉल्व हो जाया करते है। लेकिन अगर ये चीज प्रोलॉन्ग हो, बच्चा बेहोश होने लगे, बड़ा बेहोश होने लगे, या फिर वो आपसे जो पार्टिकल है ना निकल पा रहा हो, तो आपने फौरन इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना। बताते हैं कि उनका क्या हुआ। असल में ये तीनों केसेस भी अलग अलग जगहों पे जाने और अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाने के बाद फाइनली पहुंचे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे पीडियाट्रिक वार्ड जो है हमारा, पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर इलाही बख्श बरोई, हमारे भाइयों जैसे प्यारे दोस्त, बेहतरीन इंसान, और ऐसे केसेस में तो मैं फरिश्ता कहूंगा, एक फरिश्ता सीधा डॉक्टर ने उनकी मदद की। और ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें के एक पतली वायर और ट्यूब के जरिए सांस की नली में दाखिल हुआ जाता है, कैमरा भी फिट होता है उस ट्यूब में, जैसे एंडोस्कोपी होती है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पार्टिकल तक पहुंचा जाता है और फिर उस पार्टिकल को ग्रैब करके पकड़ के बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा महारत की जरूरत होती है। तो हम बहुत ज्यादा प्राउड हैं और खुश हैं कि हमारे पास सिंध में गेम्स में इस तरह की सहूलियात मौजूद हैं और डॉक्टर इलाही बख्श बरोही जैसे फरिश्ता सीधा डॉक्टर्स ऐसी चीजों को लीड कर रहे हैं, ऐसी चीजों की, ऐसी टीम का हिस्सा है। तो हम बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे गेम्स के लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए भी और पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए भी, के शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी कीजिए ताकि अल्लाह ताला इनको और बरकत दे इस तरह के केसेस डील करने के लिए। अल्लाह हाफिज। अपना Treating in my line of work, first, it can be the difference between life and death. But you don't have to be a professional to save a life. So if you find yourself in an emergency situation, follow these 8 steps. If you see someone choking, act quickly. Ask someone to call the emergency services. Stand the person up and begin the 5 and 5 process. First, give 5 sharp back blows between the shoulder blade with the heel of your hand. Keep checking to see if the blockage has cleared. If not, apply 5 abdominal thrusts. Stand behind them and wrap your arms around their waist. Make a fist with one hand and grab it with the other. Then perform with 5 quick inwards and upward thrusts. Repeat the 5 and 5 process until the blockage has been relieved. If you find yourself in the right place at the right time, be prepared to save a life and follow these safe steps. For more life-saving advice, visit safesteps.com.